पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां विधायक संजय शर्मा से मुलाकात की। इसी दौरान दिग्विजय सिंह ने तेंदुखेड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर तंज कसा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अपने बयानों को लेकर अलग अंदाज में पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास के दौरान तेंदुखेड़ा पहुंचे। तेंदुखेड़ा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर अंदाज में नजर आए। पत्रकार वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर बेरोजगारी को लेकर तंज कसते हुए नजर आए, तो वहीं प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और खनिज मंत्री पर तंज कसा। बढ़ रही है और ये भी आप देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि प्रधानमंत्री जी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे रोजगार दिवस मना रहे हैं। अरे उनको तो बेरोजगार दिवस बनाना चाहिए था, पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है। ये तो बात भाई ऐसा है कि ठेका हुआ है, नियम कानून का पालन होना चाहिए और पालन करनी जवाबदारी सरकार की है। अब पन्ना का मैं मसला बताता हूँ आपको। पन्ना के ही तो खनिज मंत्री और पन्ना के ही संसद सदस्य बीडी शर्मा जी, मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में मैं आके देखा, इतने बड़े बड़े गड्ढे खेत में कर दिए, इतने बड़े ऊंचे किसानों के बिना पूछे ने गड्ढे कर दिए। और जहां शिकायत हुई तो जिनके खेत में गड्ढा हुआ उसी को नोटिस मिल गया, कहीं 1.5 करोड़ का 5 करोड़ का 9 करोड़ का, बेचारे किसानों पर। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कोरोना संक्रमण के दौरान मृत लोगों के परिवारों को मुआवजा नहीं देने का आरोप मोदी सरकार पर लगाते हुए तंज कसा। किसी की मृत्यु होती तो 4 लाख का मुआवजा दिया जाता है, नोटिफिकेशन निकाल दिया और 5 घंटे बाद उसका नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा, उन्होंने कहा हम 2 लाख देंगे, उसको भी उन्होंने परिवर्तन करके फिर 50,000 कर दिया। अब 50,000 देने के अंदर भी इन्होंने इतने नियम कायदे कानून बना दिए हैं कि उसमें पता नहीं कितने लोगों को मिल पाएगा। डॉक्टरों ने कहीं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया, डेथ हुई है कोरोना से और उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया। इसी तरह से ये भी है कि आपके परिवार में एक व्यक्ति को अगर कोरोना चले गए तो उनके जो सक्सेसर हैं उनको उसका हक नहीं दे रहे हैं। उदाहरण के लिए एक विधवा महिला है और उनके 4 बच्चे हैं, एक मेरे हमारे जवाहर पंजाबी का एक परिवार है भोपाल में, उनकी माँ की मृत्यु हुई, उनके 2 भाइयों की मृत्यु हुई और एक भाभी की मृत्यु हुई, 4 लोग उनमें डेथ हुई। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें किसी को प्राथमिकता नहीं आती क्योंकि सब बालिग लोग थे, उनका पैसा तो खर्च हो गया, 5-5, 10-10 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए खर्च हो गए उनके, अब उनको आप मुआवजा देने में आप नियम ऐसे बना दिए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा और सीएम पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। संविधान संशोधन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए और उसमें हम लोगों ने ओबीसी को 25% आरक्षण दिया और वो आज भी कानून है। उसके विपरीत जिस प्रकार का इन्होंने कानून के खिलाफ बिना रोटेशन के चुनाव कराना शुरू कर दिया, उसके वजह से लोगों में नाराजगी थी, जिसकी वजह से ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया। जो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात है, ये सरकारी वकीलों ने सही प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुति नहीं किया। तेंदुखेड़ा में पत्रकारों से चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ज्योतेश्वर परमहंसी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के दर्शन के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, तेंदुखेड़ा।